हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेंस्ट टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ अपेक्स फिट। तो दोस्तों, आपको इंट्रो से ही पता लग गया होगा हमारी आज की वीडियो किस पे होने वाली है। एंड उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो आप कंपनी देख रहे हो यानी कि अपेक्स फिट, यह आज इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो आप डल पा रही है। जो भी फर्दर वीडियो थी वो डिलीट हो गई है। एंड और मैंने सबसे पहले जो अपनी वीडियो डाली थी वो फोर स्टेशन की डाली थी। एंड आज भी मैं अपनी फर्स्ट वीडियो फोर स्टेशन से ही स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो वन बाय वन मैं आपको इसमें बताऊंगा कि एक्सरसाइज क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो और आप इसमें एडिशनल और क्या अपडेट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेशन से। फर्स्ट स्टेशन हमने जो डाला है इसके अंदर मल्टी प्रेस हमने इसके डाला है। मल्टी प्रेस में क्या होता है, जैसे अभी ये शोल्डर की पोजिशन है, मैं शोल्डर जैसे अगर किसी को बोलना है शोल्डर भी कर सकते हो आप इस पे, ये अपनी शोल्डर की पोजिशन हो जाएगी। एंड इस पे अगर किसी को इंक्लाइन चेस्ट करना है, फ्लैट चेस्ट करना है, इस सीट के नीचे कैचर सिस्टम प्रोवाइड किया है हमने, आप इसको प्रोवाइड किया है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिस भी पोजीशन पे आपको एडजस्ट करना है। सेम उसी साइड इसमें एक लीवर सिस्टम है जो अपने हैंडल को एडजस्ट करेगा। इस हैंडल भी अप एंड डाउन, जिस भी पोजीशन पे आपको एडजस्ट करना है उस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर अपनी एक्सरसाइज जो इंक्लूड हो जाएंगी, फ्लैट चेस्ट, इंक्लाइन चेस्ट एंड शोल्डर प्रेस। नेक्स्ट अपना स्टेशन जो आता है लेट पुल डाउन प्लस सीटेड रोइंग। लेट पुल डाउन एंड सीटेड रोइंग ये अपनी बैक की एक्सरसाइज दोनों कवर करेगा। मैं लेट पुल डाउन आपको करके दिखा देता हूँ। ये हमने इसमें लेग सपोर्ट है कि आप हैवी वेट लगाओ तो आपकी लेग्स पे सपोर्ट देगा। ये अपनी हो जाएगा लेट पुल डाउन। सेम ऐसे ही आप वी हैंडल की यूज से आप सीटेड रोइंग कर सकते हो। आप देख पा रहे होगे फुल रेंज ऑफ मोशन है, अगर कोई भी हाइट का बच्चा इस पे सुटेबल होगा सीटेड रोइंग लगाने के लिए। नेक्स्ट स्टेशन जो अपना आ जाएगा पैक डेक एंड रियर डेल्ट्स, ये हो जाएगी अपनी चेस्ट के लिए एंड बैक के लिए अपनी एक्सरसाइज। अभी जो इसमें पोजीशनिंग है ये आप हैंडल अपनी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कहीं पे भी जहाँ पे आपका मन करे, ठीक है। अभी ये रियर डेल्ट्स है तो मैं अपनी बैक की एक एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ इसमें कैसे ये वर्क करता है। ये इस तरीके से इसकी मूवमेंट होगी। सेम ऐसी अगर आपको पैक डेक फ्लाई करना है यानी कि चेस्ट के लिए करना है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए आगे पोजिशन पे बोथ हैंडल को। एंड ये अपना रेडी टू गो, ये अपनी सीट भी एडजस्टेबल होती है। अगर आपको हाइट के अकॉर्डिंग किसी भी पोजीशन पे एडजस्ट करना है ये अपनी एडजस्टेबल हो जाएगी। मैं एक बार पैक डेक लगा के दिखा देता हूँ आपको, ये अपनी पैक फ्लाई हो जाएगी। पहले ये आती थी बटरफ्लाई, अब इसको बोलते हैं हम पैक डेक एंड रियर डेल्ट्स मशीन। तो थर्ड स्टेशन हमारा जो इसके अंदर हो जाएगा लेग कर्ल एंड लेग एक्सटेंशन बोथ इन वन कॉम्बो मशीन। एक्सटेंशन आप बैठ के लगा सकते हो, कर्ल करना है आपको तो ये लेट के कर्ल हो जाएगी आपकी। मैं आपको एक्सटेंशन करके दिखा देता हूँ, कर्ल के लिए आपको आइडिया दे दूंगा कि आप ऐसे कर्ल कर सकते हो। ये एक्सटेंशन की पोजीशन है, ये आप एक्सटेंशन कर सकते हो इसमें। एंड लेग कर्ल के लिए आप इस पे आप उल्टा लेइंग पोजीशन में आ जाइए एंड लेग कर्ल आप कर सकते हो उसमें। स्टैंडर्ड वेट जो हमारा है इसमें पीवीसी वेट है 80 kg। आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हो मेटल स्टैग में भी, वो डिपेंड करता है कि आप कॉमर्शियल यूज करते हो या होम यूज कर सकते हो। तो इसमें के बाद हमारे जो स्टेशन आ जाते हैं, आप क्या क्या इसमें ऑप्शन में ले सकते हो, आप इसमें लेग प्रेस भी ले सकते हो, आप सिंगल पुली भी ले सकते हो इसके अंदर, आप इसमें और भी बहुत सारे हमारे पास स्टेशन होते हैं यानी कि शोल्डर प्रेस भी ले सकते हो, चेस्ट फ्लाई भी ले सकते हो आप डिफरेंट। तो दोस्तों आई होप आपको मशीन का ये पूरा इंट्रो एंड वन बाय वन हम इसमें क्या क्या एक्सरसाइज कवर कर सकते हैं वो आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों एक बार मैं इसकी डायमेंशन और इसकी पाइप गोज वगैरह बता देता हूँ क्या क्या हमने इसके अंदर यूज किया है। तो सारी जितनी भी इसके अंदर वायर लगी है सारा इंपोर्टेड वायर हमने यूज किया है, पुलिस भी इंपोर्टेड है। एंड जो इसकी पाइप है, पाइप की थिकनेस है 2.5 mm, इट्स अ 100x50 mm पाइप, इसको हम सीआर पाइप भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो ये पाइप की डायमेंशन होता है 2x4 भी हम इसको बोलते हैं, 12 गोज में होता है। एंड अपनी सीट्स की जो कुशनिंग है बहुत ही सॉफ्ट है, आपकी मतलब कंफर्टेबल होगा आपको बैठने के लिए। एंड बात करते हैं इसकी डायमेंशन की, तो मिनिमम इसको एरिया जो चाहिए वो अपना चाहिए 10x10 फीट का इसमें एरिया चाहिए यानी कि 100 square feet, लेकिन वो 10x10 की स्पेस में हो, मोर देन 10x10 में। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको ये बाय करना है आप कहाँ से बाय कर सकते हो। आप मेरे जो स्क्रीन पे नंबर आया है व्हाट्सएप हैंडल, व्हाट्सएप पे जो नंबर है 7042776725, आप यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है एपेक्स फिट के नाम से, आप डायरेक्ट वहां पे जाके मुझे डीएम कर सकते हो, और आप यूट्यूब पे कमेंट डाउन में भी अपना मुझसे बाय कर सकते हो। इसके बाद हमारी वेबसाइट भी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो। एंड आपको और भी कोई प्रोडक्ट जैसे चाहिए, आप जिम की कस्टमाइजेशन आपको चाहिए तो आप भी आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो।
तो दोस्तों हमारा एड्रेस है अलीपुर दिल्ली 36। आप हमें गूगल भी कर सकते हो, और अगर किसी को और भी जिम सेटअप करवाना है या फिर अपना कमर्शियल जिम क्लब जिम सेटअप करवाना है तो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ये हमारी आज की पहली वीडियो है, और नेक्स्ट वीडियो आपको बताना है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, यानी कि आपको फुल शोरूम वीडियो चाहिए या आपकी सिंगल सिंगल स्टेशन के हिसाब से वीडियो चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी मिलते हैं एपेक्स फिटनेस के साथ, एंड हमारी फर्स्ट वीडियो है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा मेन मोटिव, हमारा मेन एम होगा टू गिव यू द बेस्ट इक्विपमेंट इन ऑल ओवर इंडिया। हम ऑल ओवर इंडिया में आपको बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएंगे, एंड वो भी रीजनेबल प्राइस में। ये अपना जो शोरूम है ये अलीपुर दिल्ली में लोकेटेड है, एंड यहाँ पे आने के बाद आप 30,000 स्टेशन से लेकर 55,000 पर स्टेशन तक की आप ले सकते हो। उसके बाद अगर इम्पोर्टेड भी लेना चाहिए, कार्डियो भी लेना चाहते हो, आप हर कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू जिम इक्विपमेंट आपको सब कुछ एक प्लेस पे अवेलेबल होगा, डंबल प्लेट्स एवरीथिंग। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।